पटना में मेट्रो निर्माण काम के दौरान सोमवार की रात हुए हादसे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, कौन इसकी जवाबदेही है और कौन लोग हैं जिन्होंने लापरवाही बरती। दरअसल निर्माणाधीन टनल के पास लोको मशीन का ब्रेक फेल होने से उसकी चपेट में आकर मजदूरों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 25 मजदूर यहां काम कर रहे थे उस वक्त। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का ये कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर मेट्रो कार्य में लगे इंजीनियर्स और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इनकी लापरवाही को उजागर कर दिया है। इस घटना के बारे में फिलहाल जो जानकारियां मिल रही हैं उसके तहत आपको बता दें कि जो लोको मशीन है, लोको मशीन से मेट्रो चैनल के अंदर सामान पहुंचाने के दौरान ये हादसा हुआ था। उस समय टनल में मजदूर मौजूद थे और वो काम भी कर रहे थे। इसी दौरान लोको मशीन का ब्रेक फेल कर गया। ब्रेक फेल होने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और वो मंजर काफी खौफनाक था। वहां मजदूर मौजूद थे तो लोको मशीन का परिचालन किस तरीके से हो रहा था कि मजदूर उसकी चपेट में आ गया, एक ये सवाल खड़े होते हैं। मजदूर का आरोप है कि मेट्रो के ऑफिसर मजदूरों से ब्रेक फेल हुआ लोको चलवा रहे थे, जिसको लेकर कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन ऑफिसर बोलते थे काम करना है तो नहीं करना है ये आप बता दीजिए, नहीं करना है तो छोड़कर चले जाइए। वहीं गीली मिट्टी का धंसना भी घटना की एक वजह बताई जा रही है। ऐसे में सवाल यही है कि जब मिट्टी गीली हो गई थी तो उसे समय से क्यों नहीं ध्यान में रखा गया, वहां मौजूद इंजीनियर आखिरकार सुरक्षा मानकों को लेकर सतर्क क्यों नहीं थे, क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया गया। अगर उनके दिशा निर्देशों में काम चल रहा था तो उनको मजदूरों को क्या इंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए था, क्या काम के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई जो इस हादसे का कारण बना है, जो सुरक्षा मानक है उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। बता दें कि पटना मेट्रो का काम जिन जिन इलाकों में हो रहा है वहां की सड़कों पर सुरक्षा मानकों की बड़ी अनदेखी देखने को मिलती है, बात चाहे राजेंद्र नगर से लेकर मलाही पकड़ी की हो या मलाही पकड़ी से बैरिया बस स्टैंड की हो, तमाम इलाकों में तमाम जगहों पर सुरक्षा मानकों में कमी देखने को मिलती है। कुछ ऐसी ही स्थिति अशोक राजपथ वाले इलाके में भी देखने को मिलती है। यहाँ मेट्रो साइट से सटे सड़कों की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब होती है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, कई बार मेट्रो निर्माण वाले साइट के पास वाहन भी पलट गए हैं, लेकिन मेट्रो निर्माण कार्य में लगे लोगों को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो वहीं आपको बता दें कि जो पटना जिला प्रशासन है उसने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने इस हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित कर दी है। तो वहीं लगातार तमाम प्रतिक्रियाएं अब राजनीति भी इस पूरे हादसे को लेकर होने लगी है। SDM लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में एक टीम पूरे मामले की जांच कर रही है जो जल्द ही सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि इस मामले में अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये भी बता दें आपको कि इससे पहले भी पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के न्यू बाईपास के रामकृष्ण नगर इलाके में अप्रैल में बड़ा हादसा हुआ था, जब ऑटो मीठापुर से 0 माइल की तरफ जा रही थी जिसमें 8 लोग सवार थे। तो वहीं दूसरी तरफ मीठापुर के नजदीक मेट्रो का काम चल रहा था, इसी क्रम में ऑटो मेट्रो की क्रेन से टकरा गई थी और उस वक्त इस हादसे में बच्चा महिला समेत 4 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। बावजूद इसके कोई सबक नहीं ले रहा, जबकि 3 लोगों की उस वक्त मौत हो गई थी अस्पताल ले जाने के समय, लेकिन इस बार जो हादसा हुआ वो इतना दर्दनाक और इतना भयावह था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो प्रोजेक्ट टनल निर्माण हादसे पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस घटना की जांच 3 सदस्यीय टीम जो है वो करेगी। तो दूसरी तरफ पटना के निर्माणाधीन मेट्रो में हुए हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की खबर जो है वो सामने आई है। आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, कई का इलाज चल रहा है, अस्पताल में इलाज हो रहा है, घटना की जांच की जा रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा नितिन नवीन नगर विकास मंत्री बिहार सरकार में जो है उनका कहना सामने आया है।
आपको बता दें कि पटना में मेट्रो लाइन के लिए एनआईटी घाट के पास के स्ट्रेच में दो सुरंग बनाई जा रही है। सुरंग की जब खुदाई होती है तो मशीन के पीछे एक छोटी मलबे वाली ट्रेन चलती है। मशीन खुदाई के दौरान निकलने वाला मलबा हटाती है और ट्रेन इस मलबे को लेकर जाती है। मलबे वाली ट्रेन के लिए सुरंग के अंदर ट्रैक बिछाया गया है। इस ट्रेन का ब्रेक फेल होने की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। 25 मजदूर उस वक्त वहां काम कर रहे थे और एक मजदूर के तो 6 टुकड़े हो गए। अब टनल निर्माण की बात करें तो मोइनुल हक स्टेडियम से शुरू होकर पटना यूनिवर्सिटी और आगे गांधी मैदान तक इसका जो काम है वो किया जा रहा है। 1.5 किलोमीटर की लंबी इस टनल का एक हिस्सा पहले ही पूरा हो चुका था और अब पटना यूनिवर्सिटी से लेकर गांधी मैदान तक हिस्से का काम जो है वो चल रहा है। निर्माण के कार्य के दौरान हुए इस हादसे को लेकर मेट्रो प्रोजेक्ट की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि सुरक्षा के नाम पर क्या किया जा रहा है। जो मजदूर वहां काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा और उनके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है। अगर ब्रेक फेल गाड़ी थी ये, इसका टेस्ट क्यों नहीं पहले किया गया? किसी भी मशीन का टेस्ट पहले ही किया जाता है और उसके बाद उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये मलबा उठाने वाली मशीन जिसका ब्रेक फेल हुआ, क्या ये अचानक फेल हुआ? कोई ये सोच ही नहीं सकता कि अचानक फेल हुआ होगा। और पहले से ही कुछ मजदूरों का ये कहना है कि ये मशीन खराब थी, बावजूद इसके चलाया जाता था इसे। हालांकि कौन कितना ज्यादा लापरवाह है इस बारे में तो जांच सदस्यीय टीम जो बनाई गई है वो ही बता पाएगी कि आखिर किसकी लापरवाही थी। हालांकि सबकी निगाहें इस पर बनी हुई हैं, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी आश्वासन दिया जा रहा है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी।